आपने अभी तक फिल्मों में ही देखा और सुना होगा कि एक एक व्यक्ति की दो दो शादियां और तीसरी के साथ चक्कर, लेकिन ये ताज नगरी आगरा में हकीकत बनकर सामने आया है। ये मामला हाई प्रोफाइल है। सत्ताधारी दल के विधायक पुत्र पर एक महिला ने लगाए हैं गंभीर आरोप। इन आरोपों के बाद आगरा के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। विधायक पुत्र की रासलीला का राज मोहब्बत के शहर आगरा में एक महिला ने क्षेत्राधिकारी सदर कार्यालय पहुंचकर किया है। आधी आबादी की सुरक्षा की गारंटी देने वाली भाजपा के विधायक पुत्र ही एक महिला का शोषण करने में लगे हुए हैं, जबकि विधायक खुद भाजपा पार्टी की नीतियों को सामने रखते हुए आधी आबादी की सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन ये विधायक और उनका परिवार कैसे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का माखौल उड़ा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण सीओ अर्चना सिंह के ऑफिस में देखने को मिला। क्षेत्राधिकारी अर्चना सिंह के ऑफिस में एक महिला पहुंची। शालिनी नाम की इस महिला ने अपने आप को सत्ताधारी विधायक के पुत्र लक्ष्मीकांत वर्मा की पत्नी बताया। उन्होंने बताया कि लक्ष्मीकांत वर्मा ने दूसरी शादी कर ली है, सत्ता के दबाव में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि विधायक पुत्र से उनके दो बच्चे हैं। मान और सम्मान मांगने पर उनके साथ जमकर मारपीट की जाती है। इस पीड़िता ने भी भारतीय जनता पार्टी नीतियों का माखौल उड़ाने वाले विधायक और उसके पुत्र पर उचित कार्यवाही की मांग की है। सीओ सदर ऑफिस पहुंची महिला ने बताया कि विधायक पुत्र लक्ष्मीकांत वर्मा ने उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाया। 2003 से शुरू हुए प्रेम प्रसंग के दौरान कई बार शारीरिक शोषण किया, दबाव बनाए जाने पर 2009 में मंदिर में ले जाकर मांग भर दी और कहा कि शादी हो गई। इसके बाद वह अपने घर नहीं बल्कि दूसरी जगह उसे पत्नी की तरह रखने लगा। विधायक पुत्र लक्ष्मीकांत वर्मा से उनके दो बच्चे हैं, लेकिन कुछ सालों बाद पता चला कि लक्ष्मीकांत वर्मा ने सोनू कटारिया नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली है, जिसे वह अपने परिवार में रखता है, मान सम्मान देता है और मुझे हक की बात करने पर मारपीट करता है। और जब इस पता चला कि ये सब चीज़ें अभी भी उसको किसी पत्रकार के थ्रू या कोई वकील है उसके थ्रू पता चल गया कि मैं, तब से हमारा मानसिक उत्पीड़न शोषण इतना ज़्यादा करना, और अब तो मेरी बच्चों के साथ भी, पहले वो मेरे साथ बच्चों को जान से मारने की धमकी दे दे के बंधक बनाकर उस घर पर रखता था। और स्कूल, फिर मैंने सब करते हुए स्कूल जाना शुरू किया, वो भी ज़बरदस्ती, उसमें ना ये मुझे कोई इज्जत देता था, ना कुछ, ना पैसे, ना कुछ। उसके बावजूद वहाँ से इसने मुझे क्योंकि जब मुझे इसकी चीज़ें वहाँ पता चलने लगी, इसने उसके ऊपर अपना कोई आशियाना बना रखा है जहाँ पर ये सारे उल्टे सीधे काम करता है अपने ही स्कूल में। तो जब भी मुझे लोगों के थ्रू पता लगने लगा, मैं उस लड़की जिसके साथ अभी भी इसके संबंध है, उस लड़की को भी मैं जानती हूँ, उसको मेरे पास सारे प्रूफ हैं। पर अब ये सब करने का मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि वो लड़की भी बदनाम होगी खामा का, ये सब के पीछे मुझे सिर्फ मेरे अपने बच्चों का हक, अगर पर ये इस मेरे बच्चों का हक नहीं देगा तो मैं ये चाहती हूँ कि प्रशासन, जो सीओ मैडम है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों डिले हो रहा है। पीड़िता शालिनी का आरोप है कि सोनू कटारिया से शादी करने के बाद उससे भी लक्ष्मीकांत वर्मा को एक बेटी है, लेकिन वंश चलाने के लिए परिवार को बेटे की चाहत थी। पता चला कि सोनू कटारिया माँ नहीं बन सकती तो फिर लक्ष्मीकांत वर्मा ने एक बार फिर उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। वंश चलाने के लिए, बेटी की चाहत के लिए कई बार जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाने के साथ प्रेग्नेंट होने पर बेटा या बेटी, इसके लिए भ्रूण की जांच तक कराई गई। बेटा न होने पर उसके 3 से 4 अबॉर्शन भी कराए गए। पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा कई बार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और थाना ताजगंज के कई बार चक्कर लगाए, लेकिन सत्ताधारी दल से जुड़ा होने के चलते दबाव में आई पुलिस ने इस मामले में अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस सत्ताधारी विधायक से जुड़े मामले में दबाव में आकर काम करती है या बगैर किसी पक्षपात और दबाव के पुलिस जांच पर पीड़िता को न्याय देगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट।